नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं केजी टेक यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं एक डीसी टू डीसी स्टेप अप बूस्ट कन्वर्टर मॉड्यूल के बारे में, जिसे कि मैंने बनाया है और बनाने के लिए कौन कौन से कंपोनेंट्स का उपयोग किया गया है मैं बेसिकली आपको बता देता हूँ। यहाँ पर मैंने उपयोग में लिया है एक 555 टाइमर आईसी का, आप देख सकते हैं ये वाली जो आईसी है 555 टाइमर आईसी है। फिर एक एन चैनल मॉस्फेट का, जिसका नंबर आप देख सकते हैं IRFZ44N का उपयोग किया है। उसके बाद यहाँ पर एक LED है जो कि पावर को दर्शाती है और इस LED को पावर देने के लिए यहाँ पे मैंने 1 किलो ओम का रेजिस्टर का उपयोग किया है। उसके बाद और एक 1 किलो ओम का रेजिस्टर का उपयोग किया है और उसके बाद एक 10 किलो ओम का रेजिस्टर है। उसके बाद 104 नंबर का एक PF कैपेसिटर है और फिर दो 220 ओम्स के रेजिस्टर हैं। फिर एक BC547 ट्रांजिस्टर का उपयोग मैंने किया है। उसके बाद में एक शॉटकी डायोड 1N5822 का उपयोग किया है। फिर और एक 1 किलो ओम का रेजिस्टर का उपयोग किया है और फिर एक 10 किलो ओम का प्रीसेट का उपयोग किया गया है और 2000 माइक्रोफेरेड और 50 वोल्ट का कैपेसिटर का मैंने उपयोग किया है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं एक इंडक्टर का उपयोग किया है और आप यहाँ पे 100 माइक्रो हेनरी तक का इंडक्टर का उपयोग कर सकते हैं। और इसकी वाइंडिंग की अगर बात करें तो इसमें 100 टर्न दिया हुआ है 30 नंबर वायर गेज के साथ में। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग इस बूस्ट कन्वर्टर को टेस्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों, इस डीसी टू डीसी बूस्ट कन्वर्टर मॉड्यूल को पावर देने के लिए मैं यहाँ पे एक 5 वोल्ट और 800 mAh का मोबाइल फ़ोन चार्जर का उपयोग कर रहा हूँ। तो इस चार्जर को मैं मेन सप्लाई के साथ में कनेक्ट कर देता हूँ और इस चार्जर को इस बूस्ट कन्वर्टर के साथ में कनेक्ट कर दे रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं इसमें सप्लाई आ चुकी है और ग्रीन कलर की LED आप देख सकते हैं जल रही है। और अब मैं आपको चार्जर का वोल्टेज चेक करके दिखा देता हूँ। तो दोस्तों, देख सकते हैं चार्जर से लगभग 5.3 वोल्ट आ रहे हैं। अब इसके आउटपुट में मैं इस मीटर को कनेक्ट कर देता हूँ और फिर दिखाता हूँ आपको वोल्टेज कितना मिल रहा है हमें बूस्ट होके। तो दोस्तों, देख सकते हैं लगभग अभी 13 वोल्ट के आसपास में है। अब जैसे मैं स्क्रू ड्राइवर की हेल्प से इस प्रीसेट को घुमाऊंगा तो आप देखिएगा वोल्टेज धीरे धीरे इंक्रीज करना स्टार्ट हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, लगभग 20 वोल्ट के आसपास में है। देखिए 30, 40, 42, 45, 48, देखते हैं लास्ट कितना तक जाता है। तो दोस्तों, मैंने उम्मीद नहीं किया था कि इतना हाई वोल्टेज तक जाएगा। तो लगभग 70 वोल्ट तक लगभग बूस्ट कर दे रहा 5 वोल्ट को। एक बार मैं आपको शॉर्ट सर्किट भी करा के दिखाता हूँ। अब दोस्तों, इस बूस्ट कन्वर्टर से मैं आपको 12 वोल्ट की डीसी LED भी जला के दिखा देता हूँ। ये 9 वाट की LED है तो मैं इसके साथ में इसे कनेक्ट कर ले रहा हूँ। और अब मैं चार्जर को कनेक्ट कर देता हूँ। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं LED काफ़ी अच्छे से ग्लो कर रही है। अभी दिन के टाइम में उतना पता नहीं चल पा रहा होगा आपको। अब दोस्तों, इस LED के पैरेलल में और एक LED को मैं कनेक्ट कर दे रहा हूँ। देख सकते हैं फ्रेंड्स, दोनों LED काफ़ी अच्छे से ग्लो कर रही है। अभी दिन का टाइम है इस वजह से पता नहीं चल पा रहा है इसकी लाइट जो है। तो आप देख सकते हैं LED काफ़ी अच्छे से ग्लो कर रही है। और इस सर्किट का जो सर्किट डायग्राम है आपको वीडियो के एंड में मिल जाएगा। अब दोस्तों, इन दोनों LEDs को मैं सीरीज में कनेक्ट करके जलाने की कोशिश करता हूँ कि ये LED वर्क करेगा कि नहीं, क्योंकि सीरीज में दोनों LED को जलाने के लिए 24 वोल्ट चाहिए होगा। 12-12 वोल्ट की एक LED है तो मैं कनेक्ट कर देता हूँ सीरीज में एक बार इसे। और अब मैं पावर दे देता हूँ। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, सीरीज में भी ये दोनों LED काफ़ी अच्छे से ग्लो कर रही है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर करें। मैं मिलता हूँ आपसे किसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।